सो हाय एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद द प्लानिंग चैप्टर। अब प्लानिंग चैप्टर में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर वन इंपॉर्टेंस है, ये आपको फोकस बनाने में हेल्प करता है। जैसे अभी आप रिविजन कर रहे हैं, तो रिविजन कर रहे हैं तो आपका एक प्लान है, एक ऑर्डर आप फॉलो करके रिविजन कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो आसपास चल रही है ना, वो आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप ज्यादा फोकस रहेंगे कि मुझे इस ऑर्डर में रिविजन अपना कंप्लीट करना है, ठीक है, तो आपका फोकस बढ़ाता है। दूसरा, इट मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। जो मैनेजर्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे नो कि उनका जो एक्टिविटी है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल में हेल्प करेगा। राइट नाउ यू आर रिवाइजिंग, तो ये वीडियो आपको कैसे हेल्प करेगा एग्जाम में, ये ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। फिर जो काम हम लोग करते हैं ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है हमारे लिए। इट ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ क्योस। क्योस का मतलब होता है कंफ्यूजन, बट जब प्लान प्रॉपर है, क्लियर है, तो क्लैरिटी आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है इन प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। देन इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाए, इसकी संभावनाएं कम हो जाती है, इसकी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, और हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल होने की तरफ आगे बढ़ते हैं। इट इम्प्रूव्स आवर एफिशिएंसी आल्सो। हमारी इकोनॉमिक जो ऑपरेशनल इकोनॉमी है ना, वो इम्प्रूव हो जाती है। मतलब हमें काम जो है वो हमारी जल्दी होगी, हमारे जो काम है वो कम खर्चे में हो जाएंगे, हमें कम लेबर्स में वो काम कर लेंगे, तो ये हमारी इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन वो सुधर जाती है। हम लोग कम खर्चे में, कम वेस्टेज के साथ अपना काम कम टाइम में पूरा कर लेते हैं। बट प्लानिंग क्या ऑलवेज हमें सिर्फ अच्छा ही दिखता है? नो, देर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑल्सो, और लिमिटेशन पे मेरे ऐप में कुछ केस स्टडीज भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशंस है? देखो, पहली बात तो ये कॉस्टली प्रोसेस है। जब प्लान बनाई जाती है कंपनीज में, तो बहुत सारे हमें डेटाज लगते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस लगते हैं, और ये इंफॉर्मेशन को पाने के लिए हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हमें कुछ सर्वे करवाना पड़ता है, हमें कुछ खरीदने पड़ते हैं डेटा, तो ये कॉस्टली प्रोसेस है। सेकेंडली, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जहां क्विक डिसीजन लेना है वहां पे इमीडिएटली डिसीजन लेने पड़ते हैं, उधर उतना सोच के, बैठ के, डिस्कशन करके प्लान करने का टाइम नहीं होता है, तो प्लानिंग वहां काम नहीं आता है जहां पे टाइम बहुत कम है, बिकॉज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये थोड़ा रिजिडिटी ले आता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है। अब क्या है ना, एम्प्लॉइज जैसा प्लान है वैसा ही काम करेंगे, वो ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, हो सकता है कुछ बेहतर उन्हें पता हो, बट वो नहीं करेंगे, वो सीधा प्लान को फॉलो करेंगे, तो थोड़ा रिजिडिटी आ जाता है, आप फ्लेक्सिबिलिटी भूल जाते हैं, आप अपना इनोवेशन भूल जाते हैं। लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि प्लान्स जो है, आगे हम लोग स्टेप्स में देखेंगे, प्लान्स जो है ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, प्लान्स जो है ये कुछ अजम्पशन या एस्टिमेशन पे बेस्ड होते हैं, तो कुछ चीजें हम लोग मान के चल रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसे ही होगा। जैसे आप जब अपने पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने कुछ अजम्पशंस लिया है कि आपके पास कितने टाइम है पढ़ाई करने के लिए, बट हो सकता है आपके घर में गेस्ट आ जाए और आपका प्लान चौपट हो जाए, तो ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा एक्यूरेसी कम हो जाए। एंड फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है प्लानिंग से, हमें ऐसा लगता है कि अब तो सक्सेस मिलना ही मिलना है, बट अगेन ड्यू टू अजम्पशंस ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि प्लानिंग तो सब करते हैं। आप देखो क्रिकेट की फाइनल में प्लानिंग इंडियन टीम ने भी की थी, प्लानिंग ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी की थी, बट हम लोग हार गए ना, तो हमारी प्लानिंग इसका मतलब क्या नहीं था, हमारा प्लानिंग था बट फिर भी हार गए। कोई गारंटी थोड़ी ना कि प्लानिंग से जीत मिलना ही मिलना है। लेट अस नाउ डिस्कस स्टेप्स। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ से भी आई थिंक केस स्टडी इसमें से भी है, यस केस स्टडी इसमें से भी है, एंड पास्ट एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पार्ट से बना है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले जब प्लानिंग करते हैं ना, पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल्स को सेट करो। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपना सेल्स डबल करना है, मतलब 100% से ग्रो करवाना है, 100% से आपको सेल्स ग्रो करवाना है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। देखो कोई भी प्लान होता है वो तो अचीव करने के लिए ही होता है ना अपने गोल्स को, और क्यों प्लानिंग करते हैं, आप क्यों प्लानिंग करके पढ़ रहे हो, एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए ना, तो वैसे ही कंपनीज क्यों प्लान करती है, कुछ ना कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि अपना गोल सेट करो, फिर आप कुछ प्रेमाइसिस बना लीजिए, मतलब कुछ अजम्पशंस लगा लीजिए, जैसे कि ये जो सेल्स है 100% करने में आपको कितना मंथ्स लगेगा, आप बोलते हो 12 मंथ्स लगेगा, नाउ क्या सच में 12 मंथ्स लगेगा, हो सकता है 15 लगे, हो सकता है 10 मंथ्स में हो जाए, बट आपने कुछ अजम्पशन लिया है, क्योंकि आप फ्यूचर देख नहीं सकते, तो आपने कुछ अजम्पशन लिया है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग बस अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस पता कीजिए, मतलब सेल्स डबल करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। एक हो सकता है कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट चलाएं,
एक हो सकता है कि हम लोग डीलर्स के साथ पार्टनरशिप करें, एक हो सकता है कि हम लोग फ्री सैंपल्स बांटे, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते हैं सेल्स को बढ़ाने के, सेल्स को बूस्टअप करने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब आप उन्हें इवैल्यूएट करो कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, और इवैल्यूएट करके आप सबसे अच्छा वाला चुन लो। तो सबका मेरिट डीमेरिट को स्टडी कीजिए, फिर हो सकता है आपको लगे कि यार ये डीलर वाला रास्ता सही लग रहा है, आप बहुत सारे होलसेलर्स रिटेलर्स इनके साथ डील कर लेंगे, ये हमारे गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे, हमारा नेटवर्क बढ़ जाएगा तो ऐसे ही गुड्स दूर दूर तक पहुंचेगा, तो आपको हो सकता है ये वाला रास्ता सही लगे। नाउ वंस यू हैव डन दिस, अब आप डेरिवेटिव प्लान बनाओ। सर डेरिवेटिव प्लान क्या होता है? डेरिवेटिव प्लान मतलब देखो, मेन प्लान तो ये हो गया ना कि डीलर्स के साथ हम लोग जाएंगे, बट डीलर्स के साथ भी कैसे जाएंगे? तो हमने पहले डिसाइड किया कि पहले नॉर्थ इंडिया पे फोकस करते हैं, फिर बाद में हम लोग ईस्ट इंडिया पे फोकस करेंगे, फिर बाद में हम लोग वेस्टर्न इंडिया पे फोकस करेंगे, एंड फिर हम लोग साउथ इंडिया पे फोकस करेंगे। सो अभी मेन प्लान तो है कि हमें होलसेलर रिटेलर चाहिए, बट क्या इमीडिएटली पूरा इंडिया में फैल जाओगे क्या? अरे पार्ट पार्ट में छोटे छोटे प्लान्स बना के बड़े प्लान्स में जाने पड़ते हैं, ठीक है। डायरेक्टली 10 सीढ़ी थोड़ी ना चढ़ जाते हैं, पहले सीढ़ी से धीरे धीरे करके चढ़ते हैं, तो उन्हें बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान। सर सिक्योरिंग कोऑपरेशन क्या है? देखो ये तो प्लान आपने बना लिया, बट एंड में क्या आप अकेले काम करेंगे? नो, देयर इज अ टीम इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो टीम को भी इंक्लूड करना है ना, उनको भी तो आपको ट्रस्ट में लेना पड़ेगा, उनको भी तो प्लान समझाना पड़ेगा, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना, यू हैव टू एक्सप्लेन देम एंड गेट देयर सपोर्ट, गेट देयर कोऑपरेशन। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या फॉलोअप करते रहिए, देखते रहिए कि आपने जो प्लान बनाया है सक्सेसफुल मिल रहा है, सक्सेस हो रहा है क्या, क्या सेल्स डबल हो रहे हैं, क्या आप उस रास्ते में जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या आपको रास्ता बदलना पड़ेगा? क्या आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको फ्री सैंपल्स बांटने की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको कुछ और करने का जरूरत पड़ेगा? ये सब फॉलोअप में देखते रहो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। सर ये पार्ट ना कुछ समझ में नहीं आता क्या है, चलो ठीक है ट्राई करते समझने का। सर इसमें फीचर्स भी था ना, देखो मीनिंग समझ जाओगे तो इन्हीं बुलेट्स को आप फीचर्स में लिख देना, फीचर्स अलग से पूछता नहीं है। जनरली इस पार्ट से क्या एक्सपेक्टेड है, या तो केस स्टडी या तो इस पार्ट से एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। बहुत रेयर चांस है कि आपको बोले कि मेथड का मतलब समझाओ, अगर मतलब समझा रहे बोलेगा तो यहीं से समझा देंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इस पार्ट से केस स्टडी या एमसीक्यू आना चाहिए, ठीक है। पास्ट के पेपर्स देखोगे तो केस स्टडी बना के पूछा है ऐसे पोर्शन से, और सॉरी नॉट केस स्टडी, एमसीक्यू बना के पूछा है, ठीक है। मैंने अपने केस स्टडी के वीडियो में इसको कवर किया है, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, सबको सबका मीनिंग समझ लेते हैं। अगर फीचर आया तो आप इन्हीं बुलेट्स को फीचर्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात, ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा मेन गोल, जो हमारा बिजनेस शुरू करने के टाइम में पर्पस था। कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो पैसे कमाने के अलावा मेन गोल क्या है, क्या चेंज लाना चाहते थे सोसाइटी में, क्या प्रोडक्ट देना चाहते थे सोसाइटी को, क्या आप क्यों स्टार्ट किया अपना बिजनेस, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ये एंड रिजल्ट है आपका बिजनेस का। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी होता है उसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट मतलब रफ प्लान। व्हाट इज द प्लान जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे? इट कैन बी फ्लेक्सिबल, मतलब बीच बीच में आप चेंजेस कर सकते हो, स्ट्रैटेजी में अपना बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। और ये टॉप मैनेजमेंट के लोग हमेशा बनाते हैं। पॉलिसी, सर ये क्या होता है? पॉलिसी जो होता है ना वो आपका डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। देखो पॉलिसी, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो जैसे अमेजोन का रिफंड पॉलिसी या रिटर्न पॉलिसी, ये सब क्या होता है? मतलब देखो जैसे अमेजोन, मान लो मैं बोलता हूँ कि अमेजोन 7 दिन के बाद रिटर्न नहीं लेता, जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदा 7 दिन हो गया अब वो रिटर्न नहीं लेगा, तो वो उसकी पॉलिसी है, ठीक है। ये डे टू डे होता है और ये उनका डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है। मतलब अमेजोन का कोई सीनियर इंप्लॉय भी होगा ना, वो आपको बोल देगा सॉरी सर 7 दिन हो गया अब हम रिटर्न नहीं कर सकते। अमेजोन का कोई न्यू कमर इंप्लॉय भी होगा, वो भी आपको बोलेगा सॉरी सर 7 डेज हो गए अब हम आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं ले सकते। तो जब पॉलिसी एक ऐसी चीज होती है ना कि जो डिसीजन लेने में हेल्प करती है, तो चाहे सीनियर इंप्लॉय हो चाहे जूनियर इंप्लॉय हो, सब एक तरीके से डिसीजन लेंगे क्योंकि वो पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये स्टैंडिंग, स्टैंडिंग क्या है? स्टैंडिंग प्लान उसको बोलते हैं जो बार बार यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है। सर प्रोसीजर और मेथड, ये दो चीज ना दिमाग खा जाता है हमारा, ठीक है। देखो प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है किसी भी एक्टिविटी को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, ठीक है। एग्जैक्ट मैनर स्टेप्स जिससे करके आप एक सर्टेन एक्टिविटी कर सकते हो। मैंने बहुत बार अपने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, केस स्टडी के वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया है, मेन वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया है, एक बार फिर से आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे अगर पिज्जा डिलीवरी की बात हो रही है, तो पिज्जा डिलीवरी कैसे होती है? पहले वो आपका ऑर्डर लेते हैं,
देन वो आपका ऑर्डर को प्रिपेयर करते हैं, मतलब पिज्ज़ा को बनाते हैं, देन उस पिज्ज़ा को वो पैक करेंगे, पैक करने के बाद वो एक डिलीवरी एजेंट को अपॉइंट करेंगे, फिर डिलीवरी एजेंट जो है वो ट्रैवल करके या आएगा आपके घर के पास और 6th नंबर पे वो आपको डिलीवरी कर देगा एंड जो प्राइस है उसका वो आपसे कलेक्शन करके चला जाएगा। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हुआ ना, इसे बोलते हैं प्रोसीजर। अब इसी प्रोसीजर में आप देखोगे सेकंड स्टेप जो है ना, सेकंड स्टेप पिज्जा बनाना, पिज्जा को प्रिपेयर करना। अब पहले कैसे बनेगा, बेस बनेगा, फिर उसमें चीज डालेंगे, जो भी मटेरियल डालना है, टॉपिंग्स डालना है डालेंगे, उसे ओवन में डालेंगे, 6 मिनट के बाद निकालेंगे और पिज्जा रेडी हो गया। ये कहलाता है मेथड। अच्छा, मतलब मेथड प्रोसीजर का ही एक पार्ट है। हाँ, मेथड प्रोसीजर का ही एक पार्ट होता है। ये फुल चीज जो है ना, ये फुल चीज इसे आप कहोगे प्रोसीजर। और प्रोसीजर में से एक आइटम को कैसे करते हैं ना डे टू डे, उसे हम बोलते हैं मेथड। अच्छा चलो, अभी समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। अब आते हैं रूल्स पे। रूल्स किसके लिए होता है? रूल्स होता है एम्प्लॉयज लोगों के लिए, ठीक है? रूल्स होता है एम्प्लॉयज लोगों के लिए। क्यों होता है ये? डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंट। जैसे आपके स्कूल में रूल है ना, किस दिन आपको स्पोर्ट्स वाली जर्सी पहन के आनी है, किस दिन आपको नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के आना है, किस दिन आपको आना ही नहीं है जैसे सैटरडे, किस दिन आपका हाफ डे रहेगा, तो ये सब स्कूल में रूल्स है ना। कितने बजे स्कूल आना है, कितने बजे छुट्टी होगी, ब्रेक टाइम कब मिलेगा, टिफिन ब्रेक कब मिलेगा, ये सब रूल्स होते हैं। तो सिमिलरली ऑफिस में भी रूल्स होते हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, ऑफिस में एम्प्लॉयज के लिए होते हैं। ये भी सब स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग मतलब बार बार यूज होने वाला प्लान, उसे स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। अच्छा, बजट क्या होता है? बजट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड प्लान। फ्यूचर में कहाँ कहाँ इनकम, कहाँ कहाँ से कमाने का सोच रहे हैं और कहाँ कहाँ खर्च करने का सोच रहे हैं, इसका एक प्लान जो होता है उसे हम कहते हैं बजट। सर ये सिंगल यूज है? हाँ सिंगल यूज है, हर साल अलग अलग बनाना पड़ता है, ठीक है? आने वाले साल में आप कहाँ से इनकम कमाओगे और कहाँ कहाँ स्पेंड करोगे, ये हर साल सेम तो होगा नहीं, ठीक है? तो एवरी ईयर ये बार बार बनाना पड़ता है, इसलिए सिंगल यूज प्लान है। तो प्रोग्राम क्या होता है ये समझ में नहीं आया। देखो प्रोग्राम क्या होता है ना, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, जैसे ये जो है ना, आपको ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए कभी कभी कुछ प्रोग्राम लॉन्च करने पड़ते हैं। जैसे आपका जो भी ऑब्जेक्टिव हो, एनी ऑब्जेक्टिव यू हैव, अब उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए आपको स्टाफ तो लगेंगे, तो स्टाफ को उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने के लिए आपको स्टाफ को तैयार करना पड़ेगा, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, ठीक है? आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। तो प्रोग्राम जो होता है ये एक सिंगल यूज प्लान है, जहां पे आप कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करवाते हो ताकि आपका लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो पाए। अच्छा, तो अब आपका जिम्मेदारी क्या बनता है ना, कि वीडियो को पॉज करके आप एक बार पूरा इसको एक बार स्टडी कीजिए। बहुत छोटा सा चैप्टर है, येट वेरी स्कोरिंग चैप्टर है। आप अभी के अभी कर लेंगे तो फायदा होगा, अभी के अभी नहीं करेंगे तो टाइम लॉस हो गया फिर, ठीक है? तो डू इट नाउ।